दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच एक बार फिर भारत अपने दुश्मनों को बड़ा सितम देने जा रहा है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल के एग्रीमेंट पर साइन किया है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक अब भारत अगले 10 सालों तक चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट संभालेगा। भारत और ईरान के बीच होने वाली इस डील को जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ इस डील को फाइनल किया है। दोनों देशों के बीच इस अग्रीमेंट के वजह से साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुलेगा और पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। बता दें कि अब चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के साथ इंटीग्रेट करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे ईरान के जरिए रशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर 2003 में चर्चा शुरू हुई थी। साल 2013 में भारत ने चाबहार डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया था। साल 2016 में पीएम मोदी के ईरान दौरे के दौरान पोर्ट की अग्रीमेंट पर बात बनी थी। इस दौरान भारत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के डेवलपमेंट में $85 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने पर भी सहमत हुआ था। इसके बाद साल 2018 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पोर्ट में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की थी। अब तक दोनों देशों के बीच मौजूदा अग्रीमेंट में शाहिद बेहेश्ती पर ऑपरेशंस शामिल है और इसे सालाना रिन्यू किया जाता है, लेकिन ये नया एग्रीमेंट पुराने 10 साल के अग्रीमेंट रिन्यूअल को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जो चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस में भारत की भागीदारी को और भी मजबूत करेगा। दूसरी ओर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे लैंडलॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी इंडियन ओशन के मदद से इंडियन मार्केट में एंट्री के लिए चाबहार पोर्ट से बहुत फायदा मिलेगा, जिससे कि उन दोनों देशों से भी भारत के रिलेशंस और भी मजबूत होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।